अस्सलाम वालेकुम, मुबीन चौधरी आई फिर आपकी खिदमत में अदर एक न्यू ब्लॉग लेकर आया हूँ। तो आज जुमे वाला दिन है, तो फ़िलहाल अभी हमारे पास टाइम हो चुके हैं 12, आप देख सकते हैं सवा एक जुमा होता है। उसके बाद रिजवान आ रहा है फ़िलहाल, तो उसके साथ मैंने जाना है मार्केट, उसने कुछ शॉपिंग करनी है, तो क्योंकि वो जा रहा है पाकिस्तान। तो फिलहाल अभी बारिश, पहले बारिश हो रही थी, अभी मौसम वैसे तो ठीक है, बारिश नहीं है लेकिन बादल हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बादल हैं। तो अचानक कोई पता नहीं चलता, मौसम साफ़ हो जाता है, बारिश होना शुरू हो जाती है। तो फ़िलहाल अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया, तो फ्रेश होकर मैं कपड़े चेंज कर दिए, बाल सेट कर लिए, तो बाल वैसे मेरे कटवाने वाले हो गए हैं यार, खत भी करवाना है। तो आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी बहुत खड़ी है उस सफ़ेद कलर की, तो अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, कह रहा है आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो तकरीबन 25 मिनट तो हो गए, 5 मिनट रहते हैं, पता नहीं हवाई जहाज़ पर आना है, 5 मिनट में आ जाएगा। वो साथ वाला रोड है, कह रहा है कि वहाँ पर हूँ एक दोस्त के साथ, तो इतना ज़्यादा बिजी है कि शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। आपको पता है कि जब बंदा एक प्रदेश से पाकिस्तान जाता है तो उसकी क्या फीलिंग होती है। तो जब इतवार वाला दिन होता है नॉर्मल, तो हमारे लिए वो भी तो एक ईद जैसा होता है, तो फिर तो उसके बाद अगर पाकिस्तान जाएँ तो फिर तो डबल हो जाता है, ट्रिपल। तो एंजॉय करेंगे आप इस व्लॉग को, तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक आप भी इंतज़ार करें रिजवान का। 17 घड़ियाँ अभी इस वक्त हम मौजूद हैं भाई कैरेफोर मार्केट, रिजवान साहब आ गए हैं भाई, कोई हाथ ला दो, अयाज साहब से बात कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तकरीबन 2:30 बजे उनकी ट्रेन है प्रातः चिंत्राले पे। तो अभी इसने एक शूज़ लिए हैं रमज़ान भाई के लिए, और कुछ घड़ी वगैरह लिए हैं गिफ्ट, और कुछ परफ्यूम वगैरह इस तरह की। तो अभी चॉकलेटों की बात हो रही है, चॉकलेट कल भी हमने तकरीबन 2-3 बड़े शॉप पर जाए, तकरीबन 4-5 किलो वो ले कर गए हैं। तो अभी फिर बात हो रही है, खान भाई खाना नहीं खाना, चॉकलेट ही खानी है। तो अभी फ़ोन में बिजी है, तो तकरीबन बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, अब देख सकते हैं पीछे बादल बना हुआ है, ठंडी हवा चल रही है, हो सकता है पीछे हवा चल रही है उसकी वजह से कुछ आवाज़ ठीक ना आए। रोटी का नाम रसैलो कितनी भी बर्बरी में आधे घंटे में बस तकरीबन आ रहे हैं, ट्रेन में है वो, आ रहे हैं वैसी नीचे से, वो तकरीबन आप इस तरह से मिले जैसे मंडी बोलदीन से कराची है। तो मिलते हैं छोटी सी हाल ब्रेक, फिर हम एक और बंदे का इंतज़ार करते हैं अजी साहब का, आपको शूज़ भी दिखाते हैं, शूज़ कौन से हैं, ये पाकिस्तान से फरमाइश है, ये स्पेशलिस्ट जूती, गूगल से भाई उसने फ़ोटो निकाली है, कह रहा है ये इस तरह के भाई शूज़ लेने हैं, ये है जूती, यस। मेरे ख्याल से सिंपल है, लेकिन जिस बंदे के लिए लिए है ना, वो कहता है मुझे बहुत पसंद है, मैंने ये ही ले लिए हैं। तो ये हमारी भाई गड़ियाँ और लो जो गिफ्ट्स, ठीक है खान भाई चलें आगे, इस तरफ देखो, मास्क उतारो, आज तो पूरी कतरीना कैफ लग रही है, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, और चलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ, और वहाँ से दूसरे भाई को भी लेते हैं। साढ़े आजी साहब आ रहे हैं, हर टाइम इसी नहीं मूवी बन रही, जदों नहीं ठोकिया आप पिछे रख का बैंड कह रही वक्त ही भाई कसम खुदा ने। अजी साहब अस्सलाम वालेकुम, अजी साहब आ गए अजी साहब, कैसे हैं आप? आ जाओ ना काका, ये हमारे अजी साहब आ गए, तू लो यार थले हो पिछे बना पे, अजी साहब आ गए हैं आप, ये है हमारे आजी साहब, अस्सलाम वालेकुम आजी साहब, ठीक है आप, आपका सफर कैसा रहा? ओए हो, हमों का मतलब है मेरी जान, ओए हो,
ਚਲੇ ਆਪ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਵਣ ਤੇ ਜਲਨੀ ਕੀ ਤਾਂ ਪੈਣ ਲੋ ਲੈਣ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਤੇ Assalamualaikum Haji Sahab Baba apni story bata hai jaan kya le theko theko acha chalo ये खान भाई ने अब कैमरा पकड़ लिया है मैं कौन ही ना शुरू थी अच्छा खान भाई अपने सफर में अजी साहब अपने सफर में अल्हम्दुलिल्लाह जी सफर बहुत अच्छा गुजरा है आप बात करो तकरीबन सुबह साढ़े छह ये भाई स्पेशल स्पेशल 1400 किलोमीटर खान साहब जा रहे हैं पाकिस्तान इनकी शादी है इनकी शादी है स्पेशल इनको मिलने के लिए 1400 किलोमीटर सफर करके बाई ट्रेन इतनी चाहत मोहब्बत और ये इस तरह बातें कर रहा है जिंदगी है ना तो इस तरह की बातें कर जिंदगी है भाई वाह क्या बात है खान साहब की भाई शादी है तो सलामत रहे कि 5 साल बाद जा रहे हैं इनका सफर खुदा मुबारक करे आमीन बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं जी जी किस खुशी में ये पार्टी चल रही है शुक्रिया आपका भाई जान कि आपने टाइम दिया इनको आपका शुक्रिया जी साहब जो आप आपको बता रहा था कि बाल मैंने कटवाने वाले हो गए हैं और खत करवाया बाल कटवाए हैं और आयात और रिजवान भाई घर चले गए उनको घर छोड़ा क्योंकि उन्होंने पैकिंग करनी थी तो इतना ज़्यादा हम थक चुके थे कभी इस मार्केट कभी उस मार्केट आपको पता है जब पाकिस्तान जाना होता है तो कितनी बेचैनी और खुशी तो बहुत ज़्यादा आती है जिसने जाना है तो जो हम हैं जिसने नहीं जाना और मैं आयात फ्री में भाई बस तो क्योंकि हमारा दोस्त है तो हमारा बनता भी था तो बेसिकली कल मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपनी बर्थडे कुछ और मेरे दोस्त हैं इस साल मैंने उनके साथ नहीं की तो कल हम सेलिब्रेट करेंगे और गपशप लगाएंगे चिल मिल करेंगे तो इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे इस व्लॉग का एंड करते हैं जो हमारे चैनल पे नए हैं भाई जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस तरह हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो कुछ दोस्त पसंद कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर और इस व्लॉग को एंजॉय करें देखें अल्लाह हाफिज़